नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्राइम से जुड़ी हुई हर वो खबर जो आपको जाननी चाहिए, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए, ऐसी खबरें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आज एक बार फिर से बात करेंगे गैंगस्टर की, सिर्फ भारत के नहीं बल्कि इंटरनेशनल गैंगस्टर की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा होगा आपने, आज भी बात लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के सगे भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में। अनमोल बिश्नोई जो कि कनाडा भाग गया था, और फिलहाल अनमोल बिश्नोई गोल्डी बराड और रोहित गोदारा के साथ मिलकर अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को हैंडल कर रहा है। अनमोल बिश्नोई की बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई थी, उसके तार लॉरेंस बिश्नोई के सगे भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़े थे। इस पूरे मामले में जितने शूटर्स गिरफ्तार हुए थे, या फिर फेसबुक पर शिबू नाम के एक शख्स ने जिसने ये वादा किया था और दावा किया था कि उसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है, लॉरेंस बिश्नोई वो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें जो है इसकी तस्दीक मुंबई पुलिस ने कोर्ट में भी की थी। इसके बाद शूटर्स ने मुंबई पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था, और इस खुलासे में कहा था कि अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, ये शूटर्स के लगातार संपर्क में था। हत्या से पहले शूटर्स ने अपनी प्रैक्टिस की जो वीडियो थी वो अनमोल बिश्नोई को भेजी थी, एक स्नैपचैट जो कि एक मैसेजिंग ऐप है उस पर भेजी थी, और अनमोल बिश्नोई ने विदेश के नंबर से बाबा सिद्दीकी और साथ ही जिशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, विधायक हैं, उनकी तस्वीर भेज के इन शूटर्स को सुपारी दी थी। इस पूरे मामले के अंदर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पहले तो मुंबई पुलिस ने LOC जारी करवाया अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, लुकआउट सर्कुलर, हालांकि पहले से अनमोल बिश्नोई जो है वो बाहर है। साल 2021 में अनमोल बिश्नोई जमानत पर बाहर आया था, वो जोधपुर जेल में बंद था। 18 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो अनमोल बिश्नोई पर चल रहे थे। जमानत हुई, जेल से बाहर आया, फर्जी वीजा बनवाया, और फर्जी वीजा बनवाकर अनमोल बिश्नोई कनाडा भाग गया, जहां पर पहले से गोल्डी बराड और रोहित गोदारा थे। उसके बाद ये सभी लोग अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं, फिलहाल अमेरिका में मौजूद है। बाबा सिद्दीकी मामले में जब ये नाम सामने आया तो अब अनमोल बिश्नोई जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है, पंजाब का रहने वाला है, इसके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो कि खास तौर पर टेररिज्म जैसे मुकदमों को देखती है जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, NIA ने मोस्ट वांटेड कैटेगरी में अनमोल बिश्नोई को भी डाल दिया है। अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड कैटेगरी में डाला है, साथ ही अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि NIA ने। यानी कि शिकंजा जो है अब भारत सरकार अपनी जांच एजेंसियों के जरिए इन गैंगस्टर के खिलाफ लगातार रच रही है, और अब अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड कैटेगरी में शामिल करना, 10 लाख रुपए का इनाम घोषित करना इस बात की तस्दीक करता है कि अब जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि ये जो गैंगस्टर हैं जो कि विदेश में बैठ के अपना गैंग चला रहे हैं, इन पर शिकंजा कसा जा सके। अनमोल बिश्नोई के अलावा एक और गैंगस्टर है जो कि भारत का पंजाब का रहने वाला है, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, उसका बहुत खास दोस्त है, और जितने भी विदेश के अंदर हथियारों की डील होती है या फिर हवाला के जरिए पैसे जो बाहर से भेजे जाते हैं, सुपारी मांगी जाती है, वो सारी सुपारी मांगता है गोल्डी बराड। गोल्डी बराड के कई तरह के बयान भी सामने आ चुके हैं। एक खबर चिंताजनक भी है, चिंताजनक इसलिए है क्योंकि कनाडा में भारत के एक राजनयिक जो कि फिलहाल भारत लौटे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग गैंगस्टर जो हैं जिसमें गोल्डी बराड शामिल है, उनके कारनामों के बारे में कनाडा सरकार को बताया गया था, और काफी कोशिशों के बाद, काफी सारे टेक्निकल सबूतों के बाद कनाडा गवर्नमेंट ने जो गोल्डी बराड है जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है, लॉरेंस से जुड़ा हुआ है, उसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन अचानक से कनाडा ने मोस्ट वांटेड लिस्ट से गोल्डी बराड को हटा दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये एक बहुत चिंता का सवाल है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट जो है वो हमेशा भारत के ऊपर, भारत के एजेंट्स के ऊपर सवाल उठाती रही है कि कनाडा में जाके जो कि खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनकी हत्या जो है भारत के एजेंट्स कराते हैं, ऐसी बातें लगातार कनाडा सरकार कहती रही है। लेकिन अब भारत के एक राजनयिक जो कि कनाडा से वापस लौटे हैं, उनका एक बयान बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो इतनी मुश्किलों के बाद गोल्डी बराड़ का नाम मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में शामिल किया था कनाडा सरकार ने, अब उस नाम को क्यों हटा दिया गया है, ये एक चिंता का सवाल है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि चाहे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर हो, या फिर उसका भाई अनमोल बिश्नोई जो इस वक्त बाहर बैठा हुआ है, या फिर जो बाकी के और सारे गैंगस्टर हैं जो इंटरनेशनल तरीके से अब
भारत के अंदर अपना रैकेट चला रहे हैं, मुंबई में अपना रैकेट चला रहे हैं, इन सभी पर शिकंजा कसने की जरूरत है, जिसको लेकर हमारी जांच एजेंसी लगातार कोशिश कर रही है। इस तरह की और भी जुर्म से जुड़ी हुई, क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया टीवी डिजिटल।